हेलो, गुड आफ्टरनून. दिस इज़ रितु रतिवाल एंड यू आर विद लेट्स क्रैक नीट यूजी. स्वागत है आपका होल सिलेबस कंप्लीट सिलेबस के मॉक टेस्ट में. चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के. सभी चैप्टर्स तो मैं नहीं इंक्लूड कर पाई हूँ इस टेस्ट में, पर जितने भी कर पाई हूँ कोशिश मेरी ये रही है कि मैक्सिमम चैप्टर्स मैं इंक्लूड कर सकूँ. क्या सभी प्रेजेंट हैं, मुझे देख पा रहे हैं? क्या आप मुझे देख पा रहे हैं और सुन पा रहे हैं? शैल वी स्टार्ट? आई एम नॉट गेटिंग योर मैसेजेस येट. हाँ जी, ये थोड़ा सा नेट का मुझे लगता है इशू है कि मैं आप लोगों के मैसेजेस नहीं पढ़ पा रही हूँ. दोबारा ट्राई करते हैं एक बार. ओके, हाँ जी, स्टार्ट करें बच्चों. चलिए, मैं ये मान के चल रही हूँ. ओके 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 ओके, स्टार्ट हो पा रहा है. ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ बिना किसी देरी के. चलिए, क्वेश्चन नंबर वन प्लीज. Erythroblastosis fetalis can be avoided by administering DASH to the mother immediately after the delivery of the first child. क्या आंसर होना चाहिए? क्वेश्चन नंबर वन लिखेंगे, वन के आगे आंसर लिखेंगे. अद्वैत पंटेज का बिल्कुल सही है, रघुराम का बिल्कुल सही है, बाकियों का आंसर क्यों नहीं आ रहा है? हाँ जी, नीट फिजिक्स का सही है, अंकिता चौधरी का सही है, अर्चना का सही है, स्नेहा, डॉक्टर माशु, ऑलमोस्ट सभी का सही है. इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस एक कंडीशन होती है जो तब अराइज होती है जब मदर का नेगेटिव ब्लड ग्रुप होता है और फादर का पॉजिटिव ब्लड ग्रुप होता है. तो पहला बर्थ तो सेफली हो जाता है, लेकिन सेकंड बर्थ के टाइम बच्चे की जान को खतरा होता है. मतलब सेकंड प्रेगनेंसी के टाइम बच्चे की जान को खतरा होता है, इसलिए जस्ट आफ्टर द फर्स्ट बर्थ मदर को NTRH एंटीबॉडीज इंजेक्ट की जाती हैं ताकि सेकंड प्रेगनेंसी में कोई दिक्कत ना हो. इसका कमर्शियल नाम रोगहैम है. रोगहैम, आई थिंक रोगहैम की स्पेलिंग क्या है, प्लीज़ चेक करना इसकी स्पेलिंग क्या है. ठीक है, आगे चलिए. How many ATP molecules will be produced from two molecules of pyruvic acid that undergo complete oxidation? Question number टू का आंसर करेंगे जल्दी से. कितना ATP निकलता है दो pyruvic acid से? अभी तक मुझे उत्तर नहीं मिले हैं आप लोगों के. कृष्ण पटेल का सही है, नीट फिजिक्स का गलत है, प्रज्ञा पाल का गलत है, निशी का गलत है. अरे इतने गलत आंसर्स. अजमा रशीद का सही है, बनोतु वेंकटेश्वरा का सही है, शिव का सही है, डिस्कवरिंग माइसेल्फ का सही है, पुष्पांजलि का सही है. इतना इतना गलत कैसे आ रहा है? आप लोगों की कैलकुलेशंस कैसे होती हैं बेटा, कैसे कैलकुलेट करते हैं आप? पायरुविक एसिड के हर एक मॉलिक्यूल 15 ATP को जन्म देता है. ठीक है, तो पायरुविक दो पायरुविक एसिड 30 को जन्म देगा. ठीक है जी, बाकी आपके ग्लाइकोलाइसिस से आएंगे. तो आपका उत्तर क्या हो गया? 30 हो गया है. चलिए आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज. पीपल हु हैव माइग्रेटेड फ्रॉम द प्लेन्स टू एन एरिया एडजॉइनिंग रोहतांग पास. ये क्वेश्चन है, ये नीट का पास्ट क्वेश्चन है, आंसर करेंगे इसको. हाँ जी, ईशान मिश्रा, मैं वसंत कुंज में रहती हूँ, बिल्कुल. बोलिए, अगर कोई प्लेन्स वाला बंदा पहाड़ों पे चला जाए तो उसके साथ क्या होगा, और वो 6 महीने से वहीं रह रहा है? हाँ जी, किस किस का सही है? पुष्पांजलि का सही है, अंकित झा का सही है, कृष्ण गुप्ता का सही है, चैतली का सही है, नीनांशु का सही है, अमृता का सही है, इकरा नज़ीर का सही है. आइए देखते हैं. देखिए, जब एक इंसान प्लेन्स से पहली बार किसी हिली एरिया में जाएगा तो उसको नौजिया होगा, वॉमिटिंग होगा, सिर चकराएगा उसका. ठीक है, ऑल्टीट्यूड सिकनेस कहते हैं इसको. परंतु यदि उनका 6 मंथ से ज़्यादा का टाइम हो गया है वहाँ रहते हुए तो उनकी बॉडी अडैप्ट कर लेगी. अडैप्टेशन में क्या होगा, नंबर ऑफ RBC इस बंदे का 7 to 8 million के आसपास रहेगा पर MM क्यूब.
जबकि हमारा नॉर्मल में कितना होता है, 5 to 5.5 million होता है। तो आरबीसी का नंबर बढ़ गया, आरबी के साथ हीमोग्लोबिन का अमाउंट भी बढ़ेगा क्योंकि उसके अंदर ही हीमोग्लोबिन होता है, पर हीमोग्लोबिन की बाइंडिंग कैपेसिटी कम हो जाएगी। सो हमारा आंसर थर्ड बनता है। यदि आपको ये याद नहीं है तो याद कर लीजिए, हीमोग्लोबिन की बाइंडिंग कैपेसिटी कम हो जाएगी ऑक्सीजन के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट ऑप्शन फॉर लंग कैपेसिटीज? लंग कैपेसिटीज में ऑप्शन कीजिए, मैंने भी सॉल्व नहीं किया, ये भी सॉल्व करके देखती हूँ। फोर लिख के आंसर कीजिए। कृष्ण पटेल ए, डॉक्टर कार्तिक ए, पवनी रुथ ए, अच्छा स्नेहा फोर। आइए मैं चेक करती हूँ आंसर क्या है, मैंने अभी इसका आंसर निकाला नहीं है, देखते हैं। ए कैसे इसका आंसर आ रहा है? फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी कितना होता है? वाइटल कैपेसिटी आपका होता है ER प्लस इंस्पिरेशनल, एक मिनट, IC EC से ज़्यादा होगा, फर्स्ट तो हो ही नहीं सकता बेटा, IC हमेशा EC से ज़्यादा होगा। IC क्या होता है, एक मिनट, मेरे दिमाग से ये टॉपिक निकला हुआ है, मुझे एक मिनट का समय दीजिए, मुझे याद करने दीजिए कैसे होता है। इंस्पिरेशनल कैपेसिटी इज़ इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस टाइडल वॉल्यूम, एक्सपिरेशनल कैपेसिटी इज़ एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस टाइडल वॉल्यूम। तो एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम कम होती है, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम बहुत ज़्यादा होती है, तो IC तो हमेशा ज़्यादा होगा ही होगा। पहला ऑप्शन गलत हो गया, दूसरा ऑप्शन ठीक है। देन VC क्या होता है, ERV प्लस IRV प्लस TV, तो ये इन दोनों से ही ज़्यादा होगा, तो VC इनसे पहले आएगा, ये बकवास है। FRC देखते हैं क्या होता है, FRC होता है हमारा एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस रेजिडुअल वॉल्यूम, तो ये VC से तो कम होगा, VC तो बहुत ज़्यादा है बेटा, VC ज़्यादा है, VC सबसे ज़्यादा है। उसके बाद ERV कितना होता है हमारा, 1100-1200 के आसपास होता है, 1100 के पास आसपास होता है, 1100 के आसपास ये होता है। TV हमारा 500 के आसपास होता है, ये बनेगा 3000 के आसपास, ये बनेगा हमारा TV 500 प्लस ERV 1600-1700 के आसपास, 1600 के आसपास, सबसे ज़्यादा हमारा VC होगा, फिर हमारा FRC होगा, फिर हमारा IC होगा, फिर हमारा EC होगा। नहीं नहीं नहीं, IC ज़्यादा है, IC ज़्यादा है, IC ज़्यादा है, IC ज़्यादा है, ये होना चाहिए, I'm so sorry, मैं थोड़ा सा, ये टॉपिक मेरा रिवाइज नहीं है। VC सबसे ज़्यादा है, उसके बाद IC है, उसके बाद FRC है, उसके बाद EC है, थर्ड ऑप्शन होना चाहिए, थर्ड ऑप्शन होना चाहिए। I'm so sorry, इस क्वेश्चन में हमें इतना समय लगा है, चलिए आगे चलिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द करेक्ट मैच ऑफ डिजीज, कौन सा सही नहीं है? आप लोगों को आई होप पता चल गया है कि थर्ड कैसे होगा, मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन नहीं किया है जो पिछले वाला क्वेश्चन था, बट आई होप आप लोगों को पता चल गया होगा, क्योंकि मैं खुद ही करने में लगी हुई थी तो आप लोगों को एक्सप्लेन नहीं कर पाई। चलिए फिफ्थ का आंसर क्या बनेगा, किस किस का सही है? महक बत्रा का सही है, चैतली का सही है, नीनांशु का सही है, पलक का सही है, रघुराम का सही है, SS अग्रवाल का सही है, गेम अकाउंट का सही है,
प्रियांशी का सही है, धृति का सही है, आइए देखते हैं क्या गलत है, विच वन इज़ नॉट करेक्ट। आइए देखते हैं, ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस क्या होता है, इन्फ्लोमेशन ऑफ ग्लोमेरुलस, बिल्कुल सही है। यूरेमिया, ब्लड सेल्स पास थ्रू यूरिन, ये बकवास है। जब आपके ब्लड के लेवल में, ब्लड के अंदर यूरिया बहुत ज़्यादा हो जाता है, आपकी किडनी खराब हो जाएगी तो यूरिया का लेवल बढ़ेगा ब्लड के अंदर, इसको यूरेमिया कहते हैं, ये गलत हो गया। हाइपरटेंशन 140/90 सही है, रीनल कैलकुलाई, रीनल स्टोन्स होते हैं, सेकंड ऑप्शन बन गया आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। हाउ डू सिंपथेटिक न्यूरल सिग्नल्स अफेक्ट द वर्किंग ऑफ हार्ट, ऑप्शंस देखेंगे। कौन सा उत्तर बन रहा है, सिक्स का आंसर देना शुरू करेंगे। रघुराम सही है, कृष्ण यादव गलत है, परविंदर गलत है, आंसर दीजिए। अरुण कुमार गलत है, अरे इतने गलत, इकरा नज़ीर गलत है बेटा। सिक्स, मथिवनन सही है, और बोलिए अंकिता सही है, श्रेया सही है, मोहम्मद वकास सही है, अद्वैत पंडित सही है, नीट क्रैक सही है, ईशा डागा सही है, कृष्ण स्वामी जी सही हैं, सभा सही हैं, क्या कर रहे हैं आप लोग, ऐसे क्वेश्चन नीट में गलत करके आएंगे तो कैसे चलेगा। सिंपथेटिक नर्वस सिस्टम कब होता है, जब आपको डर लगता है, ठीक है, या आपको एक्साइटमेंट होती है, तो उसमें क्या होता है बेटा, आपका हार्ट रेट भी इंक्रीज हो जाता है, आपका कार्डियक आउटपुट भी इंक्रीज हो जाता है। कार्डियक आउटपुट क्या है, हार्ट रेट इंटू स्ट्रोक वॉल्यूम। एक बात बताइए, अगर हार्ट रेट बढ़ेगा आपका तो कार्डियक आउटपुट तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा ना, तो ये तो लॉजिकल ही नहीं है ना कि आपका कोई और आंसर बने, ठीक है, इसका आंसर थ्री होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। एट द डॉर्सल साइड ऑफ थोरेसिक केज विच स्ट्रक्चर इज प्रेजेंट, ध्यान से पढ़िएगा क्वेश्चन, आंसर दीजिए। अच्छा इकरा, अच्छा अच्छा टाइपिंग मिस्टेक हो गया, कोई बात नहीं। डॉर्सल साइड पे हमको क्या मिलता है, सेवेंथ का थ्री, कल्याणी गलत हो गया है बेटा, वसुंधरा का सही है, कृष्ण पटेल का सही है, ऋषभ का सही है, इकरा राइट, एसएस अग्रवाल राइट, तीना भारद्वाज गलत हो गया है बेटा, निनांशु राइट, चैतली, अरे चैतली गलत कैसे कर दिया, क्या कर रहे हो, इस ये आसान क्वेश्चन है, हमें गलत नहीं करने ऐसे क्वेश्चन। अगर ह्यूमन बॉडी को देखा जाए तो ये हमारी वेंट्रल साइड है, ये बैक वाली हमारी डॉर्सल साइड है, हमारी वेंट्रल साइड पे अगर रिब केज में देखें तो यहाँ बीच में बोन पड़ी है जो कि स्टर्नम है, हमारे डॉर्सल साइड पे वर्टिब्रल कॉलम पड़ा हुआ है, यहाँ से यहाँ तक रिब्स आ रही हैं। सो हमारा ऑप्शन, ये तो बकवास है ना, क्लेविकल तो ये रहा, क्लेविकल ये रहा, क्लेविकल रिब केज का अपर साइड पे है बेटा, आपको डॉर्सल साइड पे बताना है, ये वेंट्रल साइड पे, डायफ्राम नीचे है, आंसर ये बनता है। ऐसे क्वेश्चन आप लोग गलत नहीं कर सकते हैं, ये बेसिक्स है ह्यूमन बॉडी के। इन द इंटरस्टिशियल फ्लूइड ऑफ किडनी एन इंक्रीजिंग ऑस्मोलैरिटी फ्रॉम कॉर्टेक्स टू इनर मेड्यूला इज मेनली कॉज्ड बाय, काउंटर करंट मैकेनिज्म का क्वेश्चन है ये, बोलिए। जिसको काउंटर करंट मैकेनिज्म नहीं भी आता होगा वो ये क्वेश्चन को रट लेगा, क्योंकि ये स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, बार बार आ जाता है नीट में। चलो आरती, मैं कोशिश करती हूँ हिंदी में इनको ट्रांसलेट करने के लिए बेटा। हाँ जी, किस बच्चे का सही आ रहा है उत्तर, ऋषभ का सही है, कल्याणी का सही है, श्रुति राइट, कृष्ण राइट, शिवम राइट, महक, मोहम्मद वक्कास राइट, ऑलवेज फोकस्ड राइट, रानी झा राइट, पलक बत्रा राइट, बहुत बच्चे सही दे रहे हैं लेकिन बहुत बच्चे गलत भी दे रहे हैं। क्वेश्चन का मतलब क्या है, देखिए अगर आप किडनी की बात करें तो ऐसे पिरामिड्स होते हैं, रीनल पिरामिड्स होते हैं किडनी में, ऊपर वाला पार्ट कॉर्टेक्स होता है और नीचे वाला पार्ट मेड्यूला है। तो जब आप कॉर्टेक्स से मेड्यूला की तरफ आते हैं तो आयंस की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ती जाती है, इनफैक्ट ऑस्मोलाइट्स की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ती जाती है। तो ये क्यों बढ़ रही है, यहाँ पे सिर्फ 300 मिली ऑस्मोल्स का वो है, पर लीटर का ऑस्मोलाइट है, यहाँ पे 1200 मिली ऑस्मोल्स हो जाते हैं,
ये कैसे बढ़ रहा है बेटा? NaCl एंड यूरिया आता जा रहा है, यहाँ पे नीचे NaCl और यूरिया बढ़ता जा रहा है। ये लर्न कर लीजिए क्वेश्चन, यदि आपको इसकी रीजनिंग नहीं समझ में आती। स्टैंडर्ड क्वेश्चन है ये, बार बार आ जाता है। नेक्स्ट प्लीज। इफेक्ट ऑफ 2,3-DPG ऑन ह्यूमन ब्लड इज दैट, आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन है पर इंपॉर्टेंट है इसलिए। चलिए, इफेक्ट ऑफ 2,3-DPG क्या होना चाहिए? किसका सही है? एक भी बच्चे का सही नहीं है अभी तक। नाइन्थ पूछ रही हूँ मैं, नाइन्थ। हाँ जी, ऋषभ का बिल्कुल सही है। और बोलिए नाइन्थ। लेवी ब्रेस्कॉट का सही है, श्रुति का सही है, मोहम्मद वकास बिल्कुल सही है, शोभा राइट, बॉर्न चैम्पियन ने आंसर ही नहीं दिया है, कृष्ण यादव राइट, सौरभ वत्स राइट। एक्चुअली दो कृष्ण हैं, कृष्ण यादव और कृष्ण पटेल। और मैं ये सोच रही हूँ ये बच्चा अपने आंसर्स चेंज क्यों कर रहा है, एक ही क्वेश्चन के दो दो आंसर दे रहा है, बट ये दो बच्चे हैं, मुझसे गलती हो गई पढ़ने में। देखिए बेटा, 2,3-DPG का वही इफेक्ट है जो कि अत्यधिक CO2 का इफेक्ट होता है, अत्यधिक एच पॉजिटिव का इफेक्ट होता है, अत्यधिक टेम्परेचर का इफेक्ट होता है। ये तीनों फैक्टर्स क्या करते हैं? हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन के प्यार में दरार डालते हैं, हीमोग्लोबिन को नफरत पैदा करता है, बाइंडिंग कैपेसिटी को कम करता है। तो 2,3-DPG भी इन्हीं की ही कैटेगरी में है, ऑप्शन 2 आ गया है। ठीक है जी, ये नहीं आता तो लर्न कर लीजिए। नेक्स्ट, लंग फाइब्रोसिस इज अ फीचर ऑफ, लंग फाइब्रोसिस कहाँ मिलता है आपको? बोलिए, 10th का ऑप्शन। सूर्यांशु पांडे सही है, इकरा नज़ीर सही है, सौरभ राइट, मोहम्मद वकास राइट, चैतली महक, निनांशु विप्रा राइट, गेम अकाउंट वसुंधरा, कृष्ण यादव, अद्वैत पंटेज, ऑलवेज फोकस्ड राइट, बिल्कुल सही है आप लोगों का आंसर। देखिए बेटा जी, ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स जितने भी होते हैं जो आपके ऑक्यूपेशन की वजह से आपको हो रहे हैं, जैसे आप कॉटन इंडस्ट्री में हैं तो धीरे धीरे कॉटन का फाइबर आपके अंदर जा रहा है, आप कोल इंडस्ट्री में हैं तो कोल का थोड़ा थोड़ा पार्टिकल आपके अंदर जा रहा है, ठीक है। कोई भी छोटा छोटा स्मॉल पार्टिकुलेट मैटर जब लंग्स में कहीं 10 से 15 सालों तक जाता है तो लंग में फाइब्रोसिस होने लगता है। हमारा आंसर ये है। इनके आपको पता होने चाहिए क्या है, एम्फिजवा में एल्वियोलाई की कॉमन वॉल डिजॉल्व हो जाती है तो ये वॉल का सरफेस एरिया घट जाता है ऑक्सीजन और CO2 एक्सचेंज के लिए, ठीक है। ये सिगरेट स्मोकिंग से होती है। एस्थमा में क्या होता है, इन्फ्लामेशन हो जाता है, ठीक है, आपके एयरवेज का। न्यूमोनिया में क्या होता है, आपके एल्वियोलाई में फ्लूइड भर जाता है, फ्लूइड भरने की वजह से भी आपका गैशियस एक्सचेंज नहीं हो पाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। द कैरेक्टरिस्टिक दैट इज शेयर्ड बाई यूरिया, यूरिक एसिड एंड अमोनिया आर, तीनों में कॉमन कैरेक्टर्स क्या हैं? बोलिए, यूरिया, यूरिक एसिड और अमोनिया, तीनों के कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स बताएंगे आप मुझे। इलेवन का आंसर, अभी तक एक भी बच्चे नहीं मिला है मुझे। लेवी ब्रिस्कॉट बिल्कुल सही है, पलक बत्रा बिल्कुल, पलक बत्रा ने आंसर ही नहीं दिया है, कृष्ण पटेल राइट, ऋषु राइट, मिस्टर हुसैन, पलक बत्रा राइट, मथिवनन रॉन्ग, रिति गुप्ता राइट, जुनैद राइट, श्रुति राइट, श्रुति रॉन्ग। चलिए आइए देखते हैं। देखिए बेटा जी, ये जो तीन नाम हैं ये तीनों ही नाइट्रोजनस वेस्ट हैं, ठीक है। नाइट्रोजनस वेस्ट क्या होता है, जिसके अंदर बहुत सारा नाइट्रोजन हो। नाइट्रोजनस वेस्ट कैसे बनते हैं, आप किसी भी अमाइनो एसिड को जब ब्रेक करेंगे, आप किसी अपनी बॉडी में पड़े हुए अमाइनो एसिड को तोड़ना चाहते हैं, इसे तोड़ना चाहते हैं, मेटाबलाइज करना चाहते हैं, तो आप इसको रिमूव कर देते हैं, यहीं से ही नाइट्रोजनस वेस्ट बनता है, ठीक है। सो ये स्टेटमेंट ट्रू है। दे ऑल नीड वेरी लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर, ये गलत है। सबसे ज़्यादा वाटर किसको चाहिए होता है, जो सबसे ज़्यादा टॉक्सिक होता है। तीनों की टॉक्सिसिटी सेम नहीं है। देखिए, यूरिक एसिड सबसे कम टॉक्सिक है, उसके बाद यूरिया टॉक्सिक है, सबसे टॉक्सिक है अमोनिया। यहाँ से टॉक्सिसिटी बढ़ रही है, समझ रहे हो, टॉक्सिसिटी इंक्रीजेस। जिसकी जितनी टॉक्सिसिटी होगी, जिसको नहीं पता अभी देख लीजिए, जिसकी जितनी ज़्यादा टॉक्सिसिटी होगी उसको रिमूव करने के लिए पानी उतना ही चाहिए,
तो अमोनिया को रिमूव करने के लिए भर भर के पानी चाहिए होता है, ये भी गलत हो गया, इक्वली टॉक्सिक ये भी गलत हो गया। ये किडनी से प्रोड्यूस नहीं होते, आपको लगता है किडनी यूरिया को रिमूव करती है ब्लड से, तो वहीं प्रोड्यूस होता होगा, बिल्कुल भी नहीं। यूरिया आपके लिवर में प्रोड्यूस होता है, यूरिया साइकिल चलता है। सो ये भी गलत हो गया, आंसर इज ए ओनली। नेक्स्ट प्लीज, आइडेंटिफाई द डिजीज ऑन द बेसिस ऑफ कैरेक्टर्स गिवन बिलो। कौन सी डिजीज की बात हो रही है, देखिए क्लास अराउंड एक घंटे की है। ट्वेल्थ का आंसर करेंगे, चैतली राइट, पलक बत्रा राइट, सबा सबा राइट, ऋषभ राइट, अलमास खान राइट, एसएस अग्रवाल, श्रुति राइट, कृष्णा यादव, अनिल पूनिया, महक बत्रा राइट। आइए देखते हैं, आप दो न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी डिजीज पढ़ते हैं, क्वाश्योरकर और मरास्मस। इनमें से ज़्यादा गंदा नाम मरास्मस है, तो मरास्मस में इंसान बिल्कुल ही मर जाता है, बिल्कुल छोटे बच्चों को होता है मरास्मस, 0 to 1 years, और प्रोटीन की भी डेफिशिएंसी और कैलोरीज की भी डेफिशिएंसी। क्वाश्योरकर में सिर्फ एक चीज़ की डेफिशिएंसी रहती है और 1 साल से ऊपर के बच्चे को होता है। देखिए इस बच्चे को क्या डेफिशिएंसी है, सिर्फ प्रोटीन्स की डेफिशिएंसी है, सबक्यूटेनियस फैट प्रेजेंट है, मतलब इसको कैलोरीज की डेफिशिएंसी नहीं है। अगर ये दोनों की ही डेफिशिएंसी हो जाती तो मरास्मस होता, बिल्कुल ही मर गया, मरा मरा मरास्मस। यदि सिर्फ एक की डेफिशिएंसी है तो ये क्वाश्योरकर है, ठीक है। ट्रू अबाउट वेन इज, इजी क्वेश्चन, बोलिए। हाँ जी कृष्ण गुप्ता, 13th, आइए चेक करते हैं 13th का आंसर। वेन को आप हमेशा याद रखते हैं वापस से, वी से वेन, वी से वापस, जो हार्ट की तरफ ब्लड वापस लेकर आए वो वेन है, इसका ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड से कोई लेना देना नहीं है। आर्टरी को आप पढ़ते हैं अवे से, आर्टरी, ए से आर्टरी, ए से अवे, जो हार्ट से अवे लेके जाए वो आर्टरी है, ऑक्सीजनेटेड डीऑक्सीजनेटेड से कोई मतलब नहीं है। सो ये आ गया, दे कैरी ब्लड टुवर्ड्स हार्ट, ठीक है, हार्ट पे वापस लेके जा रहा है ब्लड। नेक्स्ट क्वेश्चन, विटामिन विच इंड्यूस मैच्योरेशन ऑफ आरबीसी, आरबीसी की मैच्योरेशन के लिए कौन सा विटामिन चाहिए आपको। फोर्टीन्थ का आंसर, अभी आना शुरू नहीं हुआ है, थैंक यू कृष्ण पटेल, नीट क्रैक्ड राइट, रिशु राइट, अंकिता चौधरी राइट, संदीप रॉन्ग, अनुराधा रॉन्ग, मिस्टर एक्स राइट, डिस्कवरिंग माई सेल्फ, अद्वैत पंटेज, कृष्ण गुप्ता, महक बत्रा राइट, मथिवनन, अनुभव जंगीर, लेवी ब्रॉस्कॉट राइट। देखिए विटामिन B12, विटामिन B9, ये आरबीसी को मैच्योर करने के लिए हेल्प करते हैं, ठीक है। विटामिन सी आपका कनेक्टिव टिश्यू बनाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसकी डेफिशिएंसी से स्कर्वी हो जाती है, जिसमें आपकी ब्लीडिंग कम्स हो जाते हैं। देन विटामिन के आपके ब्लड क्लॉटिंग जो फैक्टर्स हैं उनको बनाने में लिवर में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसका आंसर 2 हो गया है। नेक्स्ट प्लीज, ड्यूडेनम हैज़ कैरेक्टरिस्टिक ब्रूनर्स ग्लैंड्स विच सिक्रीट, क्या मिलता है आपको ब्रूनर्स ग्लैंड से, बोलिए। उर्वशी आपका नाम बीच में मिस हो जाता होगा बेटा, ये देखो हम तो आंसर देंगे ही नहीं। ये टेस्ट्स आप लोगों के फायदे के लिए बनाए गए हैं, अगर आपका नाम नहीं भी लिया जा रहा तो भी चिंता करने की जरूरत नहीं है, जो सबसे पहले मुझे नाम मिलते हैं मैं उनका आंसर करती हूँ। चलिए, ड्यूडेनम जो होता है बेटा एल्कलाइन म्यूकस रिलीज करता है, एल्कलाइन म्यूकस क्यों रिलीज करता है, देखिए ड्यूडेनम आपको कहाँ मिलता है, सॉरी आई एम सो सॉरी, ड्यूडेनम नहीं कहीं मिलता, ब्रूनर्स ग्लैंड,
ये रिलीज करता है। ड्यूडनम तो इंटेस्टाइन का पार्ट है, ये ड्यूडनम है। अभी अभी स्टमक से खाना आया है यहाँ पे, है ना, स्टमक में बहुत ज़्यादा एसिडिटी थी, उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए जब ये खाना यहाँ पे आया है। हालांकि बहुत सारे न्यूट्रलाइजिंग एजेंट्स यहाँ पे आ जाएंगे, पैंक्रियाज से भी आएगा, लेकिन यहाँ पे ब्रूनर्स ग्लैंड होते हैं जो कि एल्कलाइन म्यूकस रिलीज करके इसको न्यूट्रलाइज करने की कोशिश करते हैं। सो हमारा आंसर 2 आ गया है। अगर आपको नहीं पता तो आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। ड्यू टू इनएडिक्वेट एंजाइम सिक्रीशन फूड इज नॉट प्रॉपरली डाइजेस्टेड। इजी क्वेश्चन आंसर दीजिए। थैंक यू श्रुति शर्मा। अच्छा कोई आंसर नहीं देगा, अरे रे। हाँ जी कुंवर प्रशांत, महक बत्रा का सही है, कृष्ण यादव, मनीष, मोहम्मद वक्का, सबा, नीट क्रैक, मिक्सटर एक्स सबका सही है, कृष्णा पटेल का गलत हो गया है, बीरेंद्र, पलक बत्रा, श्री हरिहरन, हरिहरन, अली मोहम्मद, महक बत्रा, पूजा, पप्पू कुमार। अच्छा जी अच्छा, अरे नाम से पता चल रहा है, नॉट प्रॉपरली डाइजेस्टेड। जब प्रॉपरली डाइजेस्ट नहीं हुआ तो इनडाइजेशन ही होगा ना। ये वॉमिटिंग में क्या है, आपका जो स्टमक का कंटेंट है वो यहाँ से बाहर आ जाएगा, मुंह से बाहर आ जाएगा, ठीक है जी। नौजिया में क्या है, वो जो गंदी फीलिंग आती है वॉमिटिंग से जस्ट पहले। PEM क्या है, प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन, जिसमें हमने पढ़ा है क्वाशॉर्कर और मरास्मस। नेक्स्ट आंसर कीजिए। NCERT के डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन है। फीलिंग ऑफ फुलनेस नौजिया नहीं होता बेटा, नौजिया होता है जब आपको उल्टी का मन हो रहा हो, गंदी फीलिंग होती है जो उससे पहले। आइए देखें इसका आंसर क्या है, आइए देखते हैं। आई होप आप लोगों ने इसको अटेम्प्ट कर लिया है। देखिए जहां पे एसोफेगस ओपन करेगी ये वाला पार्ट कार्डिया कहलाता है या कार्डियक स्टमक कहलाता है, क्योंकि ये दिल के बहुत पास होता है। ये वाला पार्ट फंडस कहलाता है, दिस इज बॉडी एंड दिस इज पाइलोरस। अब देख लेते हैं, ए फंडिक, गलत, ए कार्डियक, बी फंडिक, सी बॉडी, डी पाइलोरिक, यही होना चाहिए ऑप्शन, ठीक है। जिनको नहीं पता है बेटा ये देख लीजिए, जो बाहर निकला हुआ पार्ट है ये फंडस है, दिस इज कार्डिया। आई होप आप लोगों ने सही किया है, यदि नहीं किया है तो NCERT के डायग्राम्स पर ज़्यादा ध्यान दीजिए। आंसर कीजिए, BOD क्या होता है, BOD क्या होता है बेटा जी। थैंक यू मरियम, वेरी इजी क्वेश्चन संदीप, अरे वाह, ऐसे ही आएंगे नीट में बेटा। हाँ जी सत्यविशा राइट, ऋषभ राइट, अद्वैत पंटेज, अनुराधा, निनांशु, महक बत्रा, अरुण कुमार, सुष्मिता चेरी, बिल्कुल सही, ऑलमोस्ट सभी का ही सही है। BOD क्या होता है बेटा, कोई एक लीटर पानी ले लीजिए आप, 1 लीटर वाटर ले लीजिए, 1 लीटर, उसके अंदर कुछ ऑर्गेनिक मैटर है, जितना ये पॉल्यूटेड होगा उतना ही ज़्यादा उसके अंदर ऑर्गेनिक मैटर होगा। उस ऑर्गेनिक मैटर को पूरी तरीके से ब्रेक डाउन करने के लिए आपने इस पे बैक्टीरिया छोड़ दिए, एरोबिक बैक्टीरिया छोड़ दिए। अब वो बैक्टीरिया ने कितना ऑक्सीजन यूज़ किया इसको पूरा ब्रेक डाउन करने के लिए, वो उस वाटर की BOD है। अब देखो बैक्टीरिया को, अब यार तुम सोचो, अगर तुमको लकड़ी काटनी है, तुम्हारे हाथ में कुल्हाड़ा थमा दूं मैं, तो जितनी ज़्यादा लकड़ी काटनी होगी तुम्हें उतनी ही सांस चढ़ेगी, है ना, तो तुम उतना ही ज़्यादा ऑक्सीजन अंदर लोगे, है ना, जितना ज़्यादा काम होगा। वैसे यही है, बैक्टीरिया को जितना ज़्यादा काम करना पड़ेगा वो उतना ही ऑक्सीजन कंज्यूम करेगा। कितना ज़्यादा काम करना पड़ेगा, जितना ज़्यादा ये वाटर पॉल्यूटेड है। आंसर इज 1, अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड टू डिकम्पोज द ऑर्गेनिक मैटर इन पॉल्यूटेड वाटर। जितना गंदा पानी उतना ज़्यादा BOD, ठीक है। चलिए डेफिनेशन, NCERT से डेफिनेशन है। नाइनटीन्थ प्लीज, सिंपल सी डेफिनेशन है। ऋषभ राइट, शैली सैनी, पलक, उमा, अंश, कृष्ण यादव राइट, सपना, नीट क्रैक्ड, अर्पणा राइट।
ऑलमोस्ट सभी का ही सही है। देखिए क्या है ये, आपके पास कोई वाटर बॉडी है, ठीक है, आपने इसमें बहुत सारा ऑर्गेनिक मैटर या फर्टिलाइजर डाल दिया, तो यहाँ पे लिविंग बीइंग्स की संख्या एकदम से बढ़ गई, ठीक है, खासकर प्लांट्स की संख्या ज़्यादा बढ़ गई। जब ये प्लांट्स डेड हो जाएंगे तो ये प्लांट्स यहाँ पे, इनकी डेड बॉडीज़ यहाँ पे पड़ी होंगी, ठीक है, अब इनकी डेड बॉडीज़ को डिकम्पोज करने के लिए बैक्टीरिया इनके ऊपर एक्शन करेगा, तो वो इस पॉन्ड के अंदर के पानी की ऑक्सीजन को खींचेगा, तो पॉन्ड के अंदर का जो पानी है उसका ऑक्सीजन कम हो जाएगा, ठीक है, तो वहाँ पे फिश वगैरह मरने लगेगी। यही सब ये लिखा हुआ है, इसे कहा जाता है यूट्रोफिकेशन, ठीक है, और धीरे धीरे ये ऑर्गेनिक मैटर यहाँ से पाइल अप होता जाएगा और ये पॉन्ड पूरी तरीके से सूख जाएगा। नेक्स्ट, बहुत ही अत्यधिक आसान क्वेश्चन, ऐसा भी 10 क्वेश्चन के आसपास आएगा आपके नीट में जो इतना ईजी होगा। बोलिए, जेकब अब्राहम, मेरा नाम कभी मत लेना मैम, क्यों भाई, कुलदीप, यदि आप अभी तक कुछ नहीं पढ़े हैं और आप सिर्फ यूट्यूब से क्रैश कोर्स लगा रहे हैं, उसके लिए मैं कल एक वीडियो बना रही हूँ कि इन 2-3 महीनों में क्या हो सकता है जब तक आपका एग्ज़ाम है, आप क्या कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं। मैं आपको सजेस्ट करूँगी, आपने अभी पढ़ना शुरू किया है तो आप प्लस का सब्सक्रिप्शन लीजिए, अनअकैडमी प्लस पे आप पूरी तरीके से गाइडेंस, मेरी गाइडेंस में आप पढ़ाई करेंगे। जो बच्चे अभी पढ़ना शुरू कर रहे हैं वो 1 साल का सब्सक्रिप्शन लेंगे, ठीक है, क्योंकि हमें नहीं पता कि हम 2-3 महीने में आप कितना पढ़ पाएंगे कवर करने के लिए। देखो बेटा, मैजिक नहीं है, कोई बच्चा 2 साल से तैयारी कर रहा है ना, और हम कहें कि हम 2 महीने में उसके बराबर पहुंच जाएंगे तो बहुत मुश्किल चीज़ है ये भैया, अब उसने 2 साल से मेहनत करी है यार, ठीक है। सो इस कंडीशन में मैं आपको यही कहना चाहूँगी, आप अपनी फुल मेहनत कीजिए, क्योंकि हमें पता नहीं होता, किस्मत का और मेहनत का पता नहीं होता कहाँ पे रंग दिखा जाए, तो आपको पूरा अपना फुल टू, और एग्ज़ाम आगे भी एक्सटेंड हो सकता है, ऐसा तो है नहीं कि 2 ही महीने में हो जाएगा, 3 महीने में भी हो सकता है, 4 महीने में भी हो सकता है, 5 महीने में भी हो सकता है। तो आप प्लस का सब्सक्रिप्शन लीजिए और मेरी गाइडेंस में बायोलॉजी पढ़ना शुरू कीजिए, ठीक है। आप ये सोच के चलिए कि 2020 में ही एग्ज़ाम निकालना है, और 1 साल का सब्सक्रिप्शन लीजिए, क्योंकि आपको पता नहीं है कि ये लॉकडाउन कब तक कंटिन्यू रहेगा। जब भी आप सब्सक्रिप्शन लेने जाएं, ये कोड लगा दीजिए RITU, जैसे ही आप ये लगाएंगे आपको 10% आपकी फ़ीस कम हो जाएगी और आप मेरी क्लासेस से जुड़ जाएंगे। और फिर आप बेटा क्रैश कोर्स भी लगाइए, जो मेरा क्रैश कोर्स चलने वाला है अभी वहाँ पे, और मेरी रेगुलर क्लास भी लगाइए आप, तब बायोलॉजी का जब 2-3 बार रिवीजन हो जाएगा तब कुछ बात बनेगी, ठीक है। जब मैं आपसे बार बार आपसे रिवीजन कराऊंगी, आप लोगों से क्वेश्चंस पूछूंगी, आप मुझे आंसर करेंगे, तब लर्न होंगी चीज़ें, तब आपकी बायोलॉजी पे ग्रिप बनने बैठेगी, ठीक है। हाँ जी, नॉन लिविंग कॉम्पोनेंट्स क्या हैं भैया? एबायोटिक फैक्टर्स हैं, बायो मतलब लाइफ, ए मतलब नहीं, जिनके अंदर कोई लाइफ नहीं है। कॉम्पिटिशन इज मोस्ट सीवियर इन, कहाँ सबसे ज़्यादा सीवियर होता है डार्विन के अकॉर्डिंग? डार्विन ने बताया था ये, जल्दी से, जल्दी से उत्तर देंगे। 21 का, हाँ जी, किसका आंसर आया? शैली, राइट, नीट क्रैक्ड, निनांशु, अद्वैत पंटेज, राइट, विवेक सिंह का गलत हो गया है, वृषुभव भवाने, युनुषा, राइट, आनंद राज, पलक, राइट, शुभ, रॉन्ग, डिस्कवरिंग माई सेल्फ। आइए देखते हैं। देखिए बेटा, जो जितना क्लोजली रिलेटेड होगा, ठीक है, उनके अंदर कंपटीशन उतना ज़्यादा बढ़ेगा, क्योंकि उनके कैरेक्टर सेम होंगे, वो सेम खाना खाएंगे, सेम टाइम पे हंटिंग करेंगे, जो जितना क्लोजली रिलेटेड होगा उतना ही ज़्यादा कंपटीशन बढ़ेगा। और बेटा, एक ही एरिया में रहोगे तभी तो कंपटीशन बढ़ेगा, अगर एक हिमाचल में रह रहा है और एक तमिलनाडु में, तो क्या कंपटीशन करोगे इतनी दूर से। नेक्स्ट, एनिमल्स विच ऑक्यूपाई सेम ट्रॉफिक लेवल्स आर, देखिए तो कौन सा सेम ट्रॉफिक लेवल पर लग रहा है आप लोगों को? बोलिए, अनामिका सिकदर, बिल्कुल नाम लूंगी मैं आपका, आप आंसर कीजिए, कौन सा लग रहा है आपको सेम लेवल पे? शैली, राइट, राजमल, रॉन्ग, आरती, रॉन्ग, अरुण, रॉन्ग, कितना बच्चा गलत कर रहा है ये? दीपक, राइट, दीपिका, राइट, अस्मित, राइट, वैभव, राइट, श्रुति, राइट, सोहिनी, राइट, लेस्ली, रॉन्ग,
सल्तनत तनवीर, राइट। आइए देखते हैं, टाइगर और बीस तो नहीं हो सकता। देखिए ये ट्रॉफिक लेवल वन है, ठीक है, ये ट्रॉफिक लेवल टू है जो इसे खाते हैं, है ना, और ये ट्रॉफिक लेवल थ्री है जो इसे खाते हैं, ठीक है। बीज जो है यहाँ पे है, हनी बीज ये रही, तो इसका और इसका नहीं हो सकता। ये आंसर है हमारा, क्यों, डियर भी इसी को ही खाता है और हनी बी भी अपना नेक्टर प्लांट से ही लेती है, है ना, दोनों टी टू लेवल पे हैं। स्नेक और अर्थवॉर्म बिल्कुल भी एक लेवल पे नहीं है, ठीक है जी, क्यों, अर्थवॉर्म तो डेट्राइटी बोर है। देन क्रो एंड काओ बिल्कुल भी नहीं है, क्रो बहुत सारे लेवल्स पे है, काओ सिर्फ यहाँ पे है, क्रो यहाँ पे भी हो सकता है, नॉनवेज भी खाता है ना, ओमनीवोर होता है। नेक्स्ट, द क्वांटिटी ऑफ इनऑर्गेनिक मटीरियल्स लाइक मिनरल्स प्रेजेंट एट एनी गिवन टाइम इज कॉल्ड। ये भी स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, बार बार आता है, आपको नहीं आता तो आप रट लेंगे इसको। ट्वेंटी थ्री, महक कोमल पलक, कोमल का गलत है, महक पलक का सही है। ज्ञान, ज्ञान की गंगा बिल्कुल सही है आपका, ऑलवेज फोकस्ड सही है। अंश राइट, उमा राइट, सुरभि कृष्ण नीट क्रैक्ड, जेकब अब्राहम राइट, बॉर्न चैम्पियन ऋषभ राइट, उरूज फातिमा राइट। देखिए दो चीज़ें हैं यहाँ पे लर्न करने की, एक होता है बेटा जितना मिनरल कंटेंट है इस सॉयल के अंदर उसको बोलते हैं स्टैंडिंग स्टेट, ठीक है, और जितना किसी भी ट्रॉफिक लेवल पे, मान लीजिए ट्रॉफिक लेवल में प्लांट्स का बात कर रही हूँ, T1 का बात कर रही हूँ, एक ट्रॉफिक लेवल पे कितना बायोमास है एक समय पे, उसे कहते हैं स्टैंडिंग क्रॉप। अब इनको याद करना बहुत आसान है, क्रॉप आपको लिविंग लगता है ना, तो ये जो लिविंग बायोमास है, कितना बायोमास है एक ट्रॉफिक लेवल पे, एक स्टैंडिंग क्रॉप है, और कितना मिनरल है, ये स्टैंडिंग स्टेट है, इसको लर्न कर लीजिए, बार बार क्वेश्चन आता है इस पर। हाँ जी बताइए, तो मुझे डेड प्लांट्स के रिमेन्स को क्या कहते हैं, डेड प्लांट्स और एनिमल्स के रिमेन्स को, सत्विशा सही कह रही हैं आप। 24th का आंसर बोलिए, शेली राइट, रिशु मोहम्मद कैफ, मनीष कृष्णा यादव, बॉर्न चैम्पियन राइट, बॉर्न चैम्पियन ने तो आंसर ही नहीं दिया, वैष्णवी राइट, प्रचुर्य चैतली, अर्पिता विशाल, इकरा राइट। आइए देखते हैं बेटा जी, जितना भी डेड एंड डिकेइंग मैटर है ना, उसको हम डेट्राइटस कहते हैं। बहुत सारे बच्चों ने इसमें ह्यूमस करने की कोशिश की है, ह्यूमस इसको नहीं कहते बेटा, पत्ते गिरे उसको ह्यूमस नहीं कहते, कोई डेड एनिमल का कैरकस गिरा है ह्यूमस नहीं कहते, ह्यूमस बनता है धीरे धीरे, धीरे धीरे एक्शन से, डेट्राइटिवोर्स के एक्शन से, माइक्रोब्स के एक्शन से, धीरे धीरे वो ह्यूमस में कन्वर्ट होता है। सो हमारा आंसर हो गया है 1। नेक्स्ट प्लीज, वेंट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंट स्पीशीज, वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन, आई एम सो सॉरी, वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंट स्पीशीज, क्या कहेंगे इसको, सिंपल डेफिनेशन है एनसीईआरटी इकोलॉजी से। 25 सही है, महक पलक प्रचुर्य चैतली नीट क्रैक्ट इरशाद कृष्ण यादव स्वर्णा ईशिका अद्वैत, सबका सही है। देखिए इसका आंसर स्ट्रैटिफिकेशन है, स्ट्रैटिफिकेशन क्या होता है, आप किसी इसमें चले जाइए, फॉरेस्ट में चले जाइए, यहाँ पे बहुत ऊंचे ऊंचे पेड़ हैं, फिर इसके साथ में थोड़े छोटे पेड़ भी आपको दिख रहे हैं, देन यहाँ पे आपकी बुशेज हैं, देन यहाँ पे आपके हर्ब्स हैं, फिर यहाँ पे आपकी क्लाइंबर क्रीपर्स हैं, तो वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन आपको देखने के लिए मिल रहा है ना यहाँ पे स्पीशीज का, तो इसको स्ट्रैटिफिकेशन कहेंगे। नेक्स्ट प्लीज, द बायोमास एनर्जी अवेलेबल फॉर कंजम्पशन ऑफ हर्बीवोर, थोड़ा ध्यान से सोच के आंसर करेंगे इसको। फोर्टी क्वेश्चंस का टेस्ट है, 26th पे आप पहुंच चुके हैं। महक राइट, नैना रॉन्ग,
नीट क्रैक्ड ऋषभ शैली राइट, कुलेश्वर रॉन्ग, हाँ जी आइए देखते हैं, ध्यान से देखिए। एक ईयर में प्लांट्स जितना टोटल बायोमास बनाते हैं उसको बोलते हैं ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, ठीक है, जितना वो ग्लूकोज बनाते हैं, जितना भी कुछ बनाते हैं, लेकिन वो सारा का सारा हर्बीवोर के खाने के लिए नहीं है, कुछ तो इनके लिए खुद के लिए भी है ना। एक साल में ये प्लांट वो ग्लूकोज यूज़ करके बड़ा हो गया, ठीक है, इसके रेस्पिरेटरी लॉसेज हो गए कुछ, है ना। सो उसको निकाल के, जो रेस्पिरेटरी लॉसेज हैं उनको निकाल के जो बचेगा क्या होता है, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी क्या होता है, ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी में से रेस्पिरेटरी लॉसेज निकाल दो, ठीक है, जो उसको एनर्जी चाहिए जिंदा रहने के लिए वो तो आपको निकालनी पड़ेगी ना। सो इसका आंसर है नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी को अगले ट्रॉफिक लेवल खा सकता है। नेक्स्ट, एनसीईआरटी की लाइन है ये भी, ट्वेंटी सेवेंथ, श्रोबनी रॉन्ग, शैली राइट, महक राइट, उषा राइट, ऑलवेज फोकस्ड रॉन्ग, डेजिला मैथ्यू राइट, कल्याणी राइट, स्वर्णा राइट, प्रचुर्या, इरशाद, रशिका राइट, मोहम्मद वकास, तनवीर, मोहम्मद कैफ, महक, शैली राइट, परविंदर रॉन्ग। आइए देखते हैं, कैलोट्रॉपिस का पौधा अगर आपने नहीं भी देखा है तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पौधा है, क्योंकि मॉर्फोलॉजी में इसके बहुत सारे एग्जांपल्स पढ़ेंगे आप। तो आप कैलोट्रॉपिस आज गूगल पे सर्च कीजिए और उसे अपने दिमाग में बिठा लीजिए। उसके अंदर कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स होते हैं जिससे कि कैटल की जान को खतरा होता है, इसलिए कैटल इसे कभी भी नहीं खाते। नेक्स्ट प्लीज, ये ज़रा सोच के बताइए तो इसका आंसर क्या होगा 28th का। क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए बेटा और आंसर कीजिए। 28th, सही है। किस बच्चे का सही है, श्रबोनी का सही है, हरीश का सही है, नैना का सही है, राजू नायक का सही है, रूपाली का सही है, उषा रानी का सही है, सर्वेश का सही है। आइए देखते हैं। देखिए, अगर आप इंसेक्टिवोरस प्लांट की बात करें, ये एक इंसेक्टिवोरस प्लांट है जो कि इंसेक्ट्स को भी खाता है और फोटोसिंथेसिस भी करता है, ठीक है। क्योंकि ये फोटोसिंथेसिस करता है तो ये T1 लेवल पे है, सारे फोटोसिंथेटिक वाले T1 लेवल पे है। फिर एक कीड़ा, एक कोई भी इंसेक्ट इसके पास उड़ता उड़ता आया, ठीक है। अब ये इंसेक्ट T2 लेवल पे है, क्यों, क्योंकि ये प्लांट से अपना न्यूट्रिशन लेना चाहता है और ये इसके इस पिचर के अंदर चला गया और हमने ढक्कन बंद कर लिया इस तरीके से और इसने इंसेक्ट को खा लिया। तो T2 लेवल के इंसेक्ट को खाने के लिए ये फिर T3 लेवल पे चला गया, तो ये T1 और T3 लेवल दोनों पे प्रेजेंट है। हमारा आंसर क्या बनेगा, आई होप आपको समझ में आया। नेक्स्ट, ट्वेंटी नाइन्थ का आंसर करेंगे आप, मैम मेंटी टाइप क्विज लीजिए। अच्छा जी, अर्पित भगत, आपका नाम मुझे दिखता नहीं है बेटा इसलिए मैं नहीं ले पा रही हूँ, ठीक है। अगली बार से थोड़ा क्वेश्चंस लार्ज साइज में लेके आऊँगी मैं आपके लिए ताकि आपको प्रॉपरली दिख जाए। हाँ जी, कॉर्नेलियस वॉन नील ने क्या कहा था, उन्होंने ये कहा था कि जो ऑक्सीजन आती है वो हमेशा H2 के साथ जो भी चीज़ है वो रिलीज होगी। जैसे मान लो H2S है तो वहाँ पे
सल्फर रिलीज होगी, अगर H2O है जो कि जनरली होता है तो वहाँ से ऑक्सीजन रिलीज होगी। सो ये हमारा आंसर बनता है। कॉर्नेलिस वॉन नील ने ये कहा था कि जो ये हाइड्रोजन वाला केमिकल है ना, उसके साथ जो भी कंपाउंड होगा वो रिलीज होगा। तो एक्सपेरिमेंट्स कॉर्नेलिस वॉन नील ने H2S वाले कंपाउंड्स के ऊपर किए थे, पर कंक्लूजन हमारा ये निकला था फाइनली। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। फोटोरेस्पिरेशन इज एब्सेंट इन, ये तो अभी तक रट्टा लग चुका होगा आपको इस क्वेश्चन का। क्यों जी, बोलिए 30th का आंसर देंगे? हाँ जी, ये कौन है? कृष्ण स्वामी सही उत्तर है बेटा। अर्पिता गलत कर दिया, लोकेश राइट, सबा, इरशाद, महक, प्रचुर्या, नैना, स्वर्णा, श्रेया, अंश, दीपिका, वेरी गुड, ये तो ऑलमोस्ट सभी का ही सही है बेटा जी। C3 प्लांट्स होते हैं हमारे नॉर्मल प्लांट्स, लेकिन C3 प्लांट्स में एक दिक्कत है बहुत बड़ी, फोटोरेस्पिरेशन की। ठीक है, फोटोरेस्पिरेशन की वजह से इनका बहुत लॉस होता है। फिर ऐसे प्लांट्स हैं जिनमें फोटोरेस्पिरेशन होती ही नहीं, उनको बोलते हैं C4 प्लांट्स। C4 प्लांट्स में अलग ही साइकिल चलता है जिससे फोटोरेस्पिरेशन का नामोनिशान मिट जाता है। कुछ बच्चों ने कैम प्लांट्स किया है, कैम प्लांट्स कभी भी फोटोरेस्पिरेशन को रोकने के लिए नहीं होता, जो कैम साइकिल होता है इट ऑलवेज अवॉइड्स वाटर लॉस, ये वाटर लॉस को रोकने के लिए होता है, इसलिए ये सक्यूलेंट्स में मिलता है जो बहुत गर्मी में रहते हैं ना, वाटर लॉस को रोकने के लिए कैम प्लांट है। कैम प्लांट्स में फोटो रेस्पिरेशन होती है, फोटो रेस्पिरेशन इज प्रेजेंट इन कैम प्लांट्स, यू शुड अंडरस्टैंड दैट। ओके, आंसर इज C4। वीट प्लांट C3 है इसलिए आंसर नहीं है। नेक्स्ट प्लीज। CO2 एक्सेप्टर इन कैम प्लांट्स फॉर केल्विन साइकिल इज, बोलिए 31st क्वेश्चन। अंकुश क्या बात कर दी, गलत है बेटा, तुम लोग क्या बात कर रहे हो? अरे ये आंसर सब बी क्यों दे रहे हैं मुझे, इसका आंसर मुझे समझ में नहीं आ रहा। Why are you giving me B? ध्यान से नहीं पढ़ रहे हैं आप क्वेश्चन, आप ध्यान से नहीं पढ़ रहे हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन देखिए क्या है, CO2 एक्सेप्टर इन कैम प्लांट्स। देखिए CO2 में जो कैम प्लांट्स है उनका पहला एक्सेप्टर जो होता है वो PEP होता है, फर्स्ट एक्सेप्टर। बट वॉट इज इट आस्किंग फॉर केल्विन साइकिल, केल्विन साइकिल में पहला एक्सेप्टर कौन है बेटा? आप कैसे गलत कर सकते हैं क्वेश्चन? कहीं पे भी केल्विन साइकिल होगा तो पहला एक्सेप्टर तो RUBP ही होगा ना। क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए, फर्स्ट CO2 एक्सेप्टर नहीं पूछ रहा है वो कैम प्लांट का, कैम प्लांट का पहला CO2 एक्सेप्टर PEP ही है, परंतु वो क्या पूछ रहा है फॉर केल्विन साइकिल, केल्विन साइकिल का पहला एक्सेप्टर कौन है बेटा? RUBP। ऑलमोस्ट सभी बच्चों का गलत है ये। अगर आपको लगता है मेरा आंसर गलत है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में एक्सप्लेनेशन दीजिए कि आपको क्यों लगता है कि PEP आंसर होना चाहिए। नेक्स्ट, ट्रॉपिकल प्लांट्स लाइक शुगर केन शो हाई एफिशिएंसी ऑफ CO2 फिक्सेशन बिकॉज ऑफ, आई होप आप लोगों को आपकी गलती समझ में आई है पहले वाले क्वेश्चन की। ट्रॉपिकल प्लांट्स लाइक शुगर केन शो हाई एफिशिएंसी ऑफ CO2 फिक्सेशन, हाँ जी ऐसा क्यों होता है आइए देखें। देखिए शुगर केन इज अ C4 प्लांट, क्योंकि इसमें फोटो रेस्पिरेशन का लॉस नहीं होता इसीलिए यहाँ पे क्या कहते हैं बहुत ज़्यादा एफिशिएंसी आती है। केल्विन साइकिल तो सब में ही होता है, केल्विन साइकिल तो C3 में भी होता है, C4 में भी होता है। तो C4 में एक एक्स्ट्रा चीज़ क्या है, हैच एंड स्लैक पाथवे, इसी को C4 पाथवे बोलते हैं। TCA साइकिल तो रेस्पिरेशन का पार्ट है, सिट्रिक एसिड साइकिल, ये तो यहाँ पे आएगा ही नहीं, ये भी ये तो कुछ और ही है, ये तो लाइट रिएक्शन का पार्ट है। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट। एपो एंजाइम क्या है? एक क्वेश्चन बीच में छूट गया है, कोई बात नहीं, नंबरिंग नहीं करी थी हमने उस क्वेश्चन की। एपो एंजाइम इज, अभी कल परसों पढ़ा के हटी हूं। अरे अंश
सॉरी अगर मैं आपका आंसर नहीं देख पाई हूँ तो। हाँ जी, तरुण राइट, जसलीन राइट, अश्विनी प्रजापति राइट, अभय राइट, वैष्णवी नायक राइट, प्रियंका राइट। आइए देखते हैं, कल परसों ही मैंने ये कराया आपको एंजाइम्स वाले पोर्शन में। हॉलो एंजाइम कॉन्जुगेटेड एंजाइम है, उसके दो पार्ट्स हैं, आप हो एंजाइम याद कराया था मैंने, प्लस कोफैक्टर। देखिए होलो एंजाइम का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट प्रोटीन पार्ट है, तो उसको बेइज्जती ना लग जाए इसलिए हम उसको आप से रिस्पेक्ट देते हैं, तो ये प्रोटीन पार्ट है। एपो एंजाइम इज द प्रोटीन पार्ट, ठीक है, और ये नॉन प्रोटीन पार्ट है। सो हमारा आंसर आएगा ये, ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट, विच कैन जनरेट मैक्सिमम नंबर ऑफ एक्शन पोटेंशियल्स। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ेंगे, आसान क्वेश्चन है ये, स्टैंडर्ड क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन बार बार आता रहता है। शुभम गुप्ता, ऐसा नहीं है बेटा, आप लोगों के नाम छुप जाते हैं कमेंट्स में बहुत सारे, आप लोगों को डिस्करेज होने की जरूरत नहीं है। हाँ जी, सभी का उत्तर सही है, सभी का ही उत्तर सही है, ऑलमोस्ट। मैक्सिमम नंबर ऑफ एक्शन पोटेंशियल्स जो होता है वो ऐसे नोड से आता है और वो ही डायरेक्ट करती है कि हार्ट कितनी बार कॉन्ट्रैक्ट करेगा। देखिए आपका जितना भी कंडक्शन सिस्टम है ना हार्ट का, चाहे वो ऐसे नोड हो, चाहे वो एवी नोड हो, चाहे वो पुरकिंजे फाइबर्स हो, चाहे वो बंडल ऑफ हिज हो, सब एक्शन पोटेंशियल जनरेट करते हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा जो एक्शन पोटेंशियल जनरेट करता है वो ऐसे नोड करता है। सो इसका आंसर 1 है। ये आई होप आपको सबको आता है क्योंकि वो रिपीट क्वेश्चन है, कई सदियों से आता रहा है। ऑन हाइड्रोलिसिस ऑफ अ न्यूक्लियोसाइड यू वुड नॉट गेट, क्या नहीं मिलेगा आपको, आप एक न्यूक्लियोसाइड को तोड़ेंगे तो आपको क्या नहीं मिलेगा, देखिए जरा। क्या नहीं मिलना चाहिए 34th में? यस, ऑलवेज फोकस्ड, महक बत्रा, इरशाद खान, मथिवनन, संदीप, निनांशु, प्रचुर्या, बिल्कुल सही, हर्षित राइट, यश, सबा सबा, उमा यादव, बिल्कुल सही है आप लोगों का। न्यूक्लियोसाइड में होता ही क्या है बेटा, शुगर और नाइट्रोजनस बेस होता है, तो जब इसको तोड़ोगे तो फॉस्फेट कैसे निकल जाएगा, आंसर फॉस्फेट है। शुगर है यहाँ पे, पिरिमिडीन और प्यूरीन क्या है, नाइट्रोजनस बेसिस का टाइप है, आंसर हमारा फॉस्फेट है। आगे चलिए, ये ज़रा ध्यान से देखेंगे, गलत नहीं करेंगे, ठीक है। जरा ध्यान से देख के आंसर देंगे, सोच समझ के आंसर करेंगे इसका। हाँ जी, चैतली 35, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है चैतली तुम्हारा गलत हो गया। ये जारा खान का सही है, नैना का सही है, लोन हया का सही है, अनामिका का सही है, संगीता का, अच्छा आप लोग 34 का आंसर दे रहे हैं, बोलिए 35 का बी क्यों लग रहा है आप लोगों को। संजीव कुमार का सही है, रिया कंबोज का सही है, रिया सिंह का सही है, अरे श्रुति का सही है, नताशा, इतने बच्चों का गलत, अरे रे 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 रे, क्या बात कर दी। ये बेसिकली किसकी बात हो रही है, डीएनए से आरएनए बनाने की बात हो रही है, मतलब ये बात हो रही है ट्रांसक्रिप्शन की। ट्रांसक्रिप्शन में ये डीएनए के दो पैरेलल स्ट्रैंड्स हैं, इसमें से आरएनए बनेगा, जो टेम्पलेट है मतलब उससे आरएनए बनेगा, ठीक है। तो एंजाइम क्या करेगा, 5-3 डायरेक्शन में आरएनए बनाएगा, तो ये 3 है तो यहां से आरएनए बनना शुरू होगा, 5-3 ऐसे आरएनए बनना शुरू होगा, ठीक है। सो मतलब यहां से स्टार्ट हो रहा है, तो ये प्रमोटर बॉक्स होना चाहिए बेटा, जो स्टार्टिंग में होता है वो प्रमोटर बॉक्स होता है ना, ये प्रमोटर बॉक्स है, ये टर्मिनेटर होना चाहिए। देखिए जब ये टेम्पलेट है तो आप यहीं से शुरू करेंगे ना, जहां से आप शुरू करेंगे वो प्रमोटर बॉक्स है ना, ये टर्मिनेटर है, बी प्रमोटर, ए टर्मिनेटर,
तो इसमें से हमारा कोई आंसर होगा। ठीक है, देखिए ये टेम्पलेट स्ट्रैंड है तो ये नॉन टेम्पलेट है, लेकिन इसका एक अच्छा नाम है, इसको कोडिंग स्ट्रैंड बोलते हैं समहाउ। हालांकि किसी चीज़ के लिए कोड नहीं कर रहा, बट इट इज़ कॉल्ड द कोडिंग स्ट्रैंड, सो सी इज़ द कोडिंग स्ट्रैंड। आंसर हमारा 4 बन गया। बहुत सारे बच्चों का ये गलत है, ऑलमोस्ट ऑल बच्चों का, सभी बच्चों का गलत है ये कॉन्सेप्ट, मतलब कि आपका क्लियर नहीं है, इस पर ध्यान दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, बोलिए अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन आपको कहाँ देखने के लिए मिल रही है? 36 राइट, पलक राइट, चैतली राइट, अर्पित राइट, अनिल, सुष्मिता, अरुण, महक, सल्तनत, नताशा, महावीर, घनश्याम, बिल्कुल सही है। आइए देखते हैं, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन का मतलब होता है कोई दो चीज़ों में अल्टरनेशन हो रही है। अरे अरे रुकिए 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 रुकिए, हाँ जी, दो चीज़ों में अल्टरनेशन हो रही है, वो हैप्लॉयड और डिप्लॉयड जनरेशन में भी हो सकती है, वो सेक्सुअल और नॉन सेक्सुअल फॉर्म्स में भी हो सकती है। तो जब हम एनिमल्स में अल्टरनेशन और जनरेशन की बात कर रहे हैं तो हम सेक्सुअल और नॉन सेक्सुअल फॉर्म्स के अल्टरनेशन की बात कर रहे हैं। ये आपको सीलेंट्रेटा में देखने के लिए मिलता है, ये कॉन्सेप्ट याद रखिए, इसे मेटाजेनेसिस भी कहते हैं। इस अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन जहाँ सेक्सुअल मेड्यूसा और ए सेक्शुअल पॉलिप के बीच में अल्टरनेशन हो रही है, इसे मेटाजेनेसिस भी कहा जाता है। आपको क्वेश्चन आ सकता है मेटाजेनेसिस, मेटास्टेसिस, ऐसे ऐसे टर्म्स आपको कंफ्यूज करने की कोशिश की जा सकती है। नेक्स्ट प्लीज, इन द गिवन डायग्राम पहचानिए किसके लिए क्या है, पहचान पा रहे हैं आप? बोलिए, क्या आंसर बन रहा है? अद्वैत राइट, महक राइट, जसलीन कौर बिल्कुल सही कह रही हैं आप, ऑलवेज फोकस्ड राइट, हाँ जी, शुभम वागचुरे बिल्कुल सही, राहुल कुमार सही, अरे रे संजीव कुमार सही, महक राइट, लेस्ली रॉन्ग, डार्क एंड ड्राई राइट, संदीप अष्टमी राइट। आइए चेक करते हैं क्या है, क्या दिखाने की कोशिश की गई है। एनसीईआरटी का डायग्राम है ये, दिस इज अ ट्रू सीलोम, दिस इज अ सूडो सीलोम SEUDO एंड दिस इज अ एसीलोमेट कंडीशन। ठीक है जी, हमारा आंसर सीधा बनता है पता है कहाँ से? सूडो सीलोम से, क्योंकि सूडो सीलोम सिर्फ आपके पास एस खेलमेंथीज में होती है। तो ये एस खेलमेंथीज नहीं है, ये एस खेलमेंथीज नहीं है, दो एस खेलमेंथीज हैं, एनसाइलोस्टोमा एंड एस्केरिस, तो इसमें से आंसर है हमारा। आगे देखते हैं ए, टीनिया, टीनिया सोलियम क्या है बेटा जी? ये फ्लैट वॉर्म है, टेप वॉर्म, तो इसमें ए कैसे हो सकता है बेटा? टेप वॉर्म्स के पास तो होती नहीं ना, एसीलोमेट कंडीशन होती है टेप वॉर्म के पास। अब देखिए ये सही है, स्कॉर्पियन के पास ट्रूसीलोम, एनसाइलोस्टोमेटा के साथ सूडोसीलोम, और फेशियोला हिपैटिका ये भी इसका फ्लैट वॉर्म्स का पार्ट है, नो सीलोम। आंसर 2 बन गया है। नेक्स्ट प्लीज, दोबारा से देखेंगे। आप ये सभी क्वेश्चंस, यकीन मानिए ये सभी क्वेश्चंस आप सही करेंगे यदि आप बायोलॉजी को सही तरीके से पढ़ेंगे। इस पूरे सीरीज में से सिर्फ मैंने एक या दो क्वेश्चन एनसीईआरटी से बाहर डाला था, बाकी सब कुछ एनसीईआरटी के अंदर से है। यदि आप एनसीईआरटी को पढ़ने का तरीका सीख जाएंगे, टेक्निक सीख जाएंगे, तो ये सही सभी क्वेश्चंस आप सही करेंगे। आप यदि ये टेक्निक सीखना चाहते हैं तो मैं आपकी हेल्प कर सकती हूँ, यूट्यूब पे तो कर ही सकती हूँ, आप मेरी यूट्यूब क्लासेस भी लगा सकते हैं। परंतु यदि आप कम्प्लीटली मुझसे मदद चाहते हैं कि मैं आपको लर्न भी करा दूँ एक एक चीज़, हालांकि मैं यूट्यूब पे भी बहुत कोशिश करती हूँ लर्न कराने की, लेकिन अनअकैडमी प्लस पे ही होता है कि मैं आपसे क्वेश्चन पूछ पूछ के आपको लर्न कराती हूँ कि बताओ इसका आंसर क्या था, बताइए इसका आंसर क्या था। तो कम्प्लीटली
आप मेरी गाइडेंस में फिर काम करते हैं, आपको एक एक एग्जाम्पल एक एक वर्ड एनसीईआरटी का लर्न होता है। तो उसके लिए यदि आप ऐसा चाहते हैं, अगर आपका यूट्यूब से काम चलता है आप यूट्यूब से पढ़िए, लेकिन अगर आप और ज़्यादा एक्सपर्ट गाइडेंस चाहते हैं प्लस आप फिजिक्स केमिस्ट्री की भी इसी प्रकार से गाइडेंस चाहते हैं तो आप अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। एक सब्सक्रिप्शन से एक कोड डालने से आप तीनों ही सब्जेक्ट की आपको कोचिंग मिल जाएगी, ठीक है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ मेरी कोचिंग मिलेगी, आप किसी भी अपने फेवरेट टीचर के फेवरेट बैच में जाके पढ़ सकते हैं एक सब्सक्रिप्शन लेने से। चलिए, लिस्ट दी हुई है सूडोसिलोमेट कितने हैं, आइए चेक करते हैं। एक ये रहा हमारा सूडोसिलोमेट, ये बकवास है प्लैटीहेलमिंथीज। एक ये रहा, ये बकवास है एनेलिडा, ये बकवास है आर्थ्रोपोडा, ये मोलस्का, ये क्या बोलते हैं इसको इकाइनोडर्मेटा, ये हेमिकॉर्डाटा, वुचरीरिया बेनक्रॉफ्टाई है हमारा एस्केलमिंथीज में, टीनिया प्लैटीहेलमिंथीज में। 1, 2, 3 आंसर हमारा 3 आ गया है। लर्न होंगे, हमें पता होगा कौन किस फाइलम में है, तो आंसर आएगा ज़रूर। लास्ट के 2-3 क्वेश्चंस। ये टर्म एनसीईआरटी में हाईलाइट हुई हुई है, बोली 39th, बोलिए। एक बच्चा कह रहा है मैम ने मेरा नाम ना लेने की कसम खाई हुई है। अरे अपना सही नाम तो बताओ, एनटीए लिखा हुआ है तुमने, बताओ। आइए देखें, देखो बेटा एस्केलमिंथीज जो होते हैं उनकी पूरी जो एलिमेंट्री कैनाल है वो मेम्ब्रेनस होती है, मतलब कि इसमें कोई मसल नहीं होती, लेकिन जो इनका फेरिंग्स होता है उसके अंदर अच्छी खासी मसल्स होती हैं। सो वेल डेवलप्ड फेरिंग्स जो है वो एस्केलमिंथीज का फीचर है। ये रहा हमारा आंसर। चलिए, रीड द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स और बताइए ये किसके कैरेक्टरिस्टिक हैं इनमें से। आंसर आ चुका है मेरा, क्या आपका भी आंसर आ चुका है? एक स्टेटमेंट से मुझे आंसर मिल गया है। हाँ जी, मोटिवेशन टू सक्सेस, आंसर दीजिए। बिल्कुल सही है इस बच्चे का, किसका है ये? कीर्तन। हाँ जी, इकरा, थरुनी, रुबैया, महक, अंकिता, श्रेया, अनिल, अनुराधा, सौरभ, आप लोगों का बिल्कुल सही है ये आंसर। देखिए ये सीलेंट ट्रेट्स हैं, ये भी सीलेंट ट्रेट है, ये भी सीलेंट ट्रेट है, और ये है टीनोफोरा। तो हमें देखना है कि सीलेंट ट्रेट है या टीनोफोरा की ऑप्शन है। देखो डिप्लोब्लास्टिक तो दोनों ही हैं, टिश्यू लेवल भी दोनों ही हैं। ये देखो यहाँ से पता चल गया 8 rows ऑफ सिलिएटेड कॉम्प्लेट्स, ये किसका है बेटा? ये तो अपना टीनोफोरा का है ना। देन रिप्रोडक्शन सिर्फ सेक्शुअल है, टीनोफोरा का है ना, इनमें तो सेक्शुअल एसेक्शुअल दोनों हो जाती है, फीचर से पता चल गया। चलिए लास्ट बोनस क्वेश्चन, एक और लेके आई थी मैं आप लोगों के लिए, कीजिए आखिरी बोनस क्वेश्चन, फिर चलते हैं अपने अपने घर को। सब कुछ एनसीईआरटी बेस्ड है ये क्वेश्चंस जितने मैं आपको दे रही हूँ। जो नहीं होता एनसीईआरटी बेस्ड वो मैं आपको स्पेशली बताती हूँ कि एनसीईआरटी बेस्ड नहीं है वो। ठीक है तरुण, ओके आइए चेक करते हैं। पेनेट्यूला, सी पेन, मियांड्रीना, ब्रेन कॉरल, गॉर्गोनिया, बहुत ही गॉर्जियस, गॉर्जियस लड़कियां क्या यूज करती हैं? फैन, सी फैन, अडामसिया, सी एनिमन, बना लीजिए। ए का 3 आंसर ही आ गया, ए का 3 होते ही। बी का 1, सी का 2, डी का 4। आई होप आप लोगों को बहुत मज़ा आया है टेस्ट करने में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, मुझे बहुत खुशी मिलेगी लाइक से, क्योंकि मुझे एक्चुअली पता चलता है कि, वैसे मुझे पता है आप लोगों को अच्छी लगती है, बट फिर भी मज़ा तो आता ही ना देख के, अच्छा इतने लाइक हो गए हैं। चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिए क्योंकि वीडियो का नोटिफिकेशन तभी आप लोगों को मिलेगा। एक इंपॉर्टेंट बात है, मैं सोच रही हूँ यूट्यूब पर नीट 2021-22 के लिए, 2021 और 22 के लिए एक फ्रेश बैच स्टार्ट कर देती हूँ मैं यहाँ पे, और ऐसा ही एक बैच मैं स्टार्ट करने वाली हूँ प्लस पे। सो जो नीट 2021 और 22 के स्टूडेंट्स हैं वो साथ में उनकी पढ़ाई चलती रहेगी।
ठीक है, और एक टाइम क्रैश कोर्स रख देती हूँ ताकि क्रैश कोर्स वालों का भी समय ना रुके। तो जैसे भी जो भी चेंज होगा मैं आपको बता दूंगी, आप बने रहिए, टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि इनके PDFs मैं टेलीग्राम पे डालूंगी, अभी तक मैंने नहीं डाले हैं पर अब मैं डाल दूंगी। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच, आई विल सी यू टुमारो।